माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत न सिर्फ देश में चर्चा का विषय बनी बल्कि विदेशी मीडिया ने भी इसे कवर किया। पाकिस्तान के डॉन से लेकर ब्रिटेन के बीबीसी और गल्फ के अल जजीरा तक हर किसी ने इस हत्याकांड की खबर छापी। सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से छपने वाले डॉन की, जिसने अपनी वेबसाइट पर लिखा, भारत के पूर्व नेता और उसके भाई की टीवी पर लाइव गोली मारकर हत्या। इस टाइटल के साथ उसने पूरी घटना का जिक्र किया कि किस तरह मीडिया से बातचीत के दौरान तीन लोगों ने गोली मारकर दो माफियाओं को मौत के घाट उतार दिया। डॉन ने दोनों मृतकों के मुस्लिम अल्पसंख्यक होने की बात भी इस रिपोर्ट में लिखी। साथ ही साथ ये भी लिखा कि दोनों भाई अपराध की दुनिया में काफी बड़ी पैठ रखते थे। इसके बाद बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी ने लिखा कि भारतीय माफिया डॉन से राजनेता बने अतीक अहमद का सनसनीखेज हत्याकांड। रिपोर्ट में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से भी बात की गई, जिसमें विक्रम सिंह ने बताया कि अतीक अहमद की हत्या अस्वीकार्य है, कस्टडी में मौत काफी गलत है और हत्या तो इससे भी बदतर। बीबीसी की रिपोर्ट में विक्रम सिंह ने अतीक को एक तरह का रॉबिनहुड बताया, जिसने गरीबों की मदद के लिए खुलकर खर्च किया। बीबीसी ने यह भी लिखा कि 60 साल के अतीक का जन्म गरीब परिवार में हुआ था और वो स्कूल ड्रॉप आउट था, लेकिन बाद में उसने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और अपना दबदबा बनाया। आखिर में बात अल जजीरा में छपी रिपोर्ट की, जिसमें लिखा गया कि किडनैपिंग केस में दोषी पूर्व भारतीय सांसद और उसके भाई की प्रयागराज में लाइव टीवी पर गोली मार दी गई। इस दौरान दोनों पुलिस कस्टडी में थे। इससे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस आर्टिकल में अतीक के मुस्लिम अल्पसंख्यक होने की बात भी कही गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।